बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। क्या हाल है जी, कैसी तबीयत है आपकी और कैसी सुबह है, कैसी गुजर रही है, ये सारे सवाल करने का दिल करता है। मगर क्योंकि कैमरे के पीछे आप लोग होते हैं, कैमरे के सामने मैं होती हूँ, तो मैं आप लोगों से ये बातें खुल के कर नहीं पाती। सिर्फ यही होता है कि जो आपको मैं कह रही होती हूँ, आप लोगों को मजबूरी या खुशी से ये प्यार से सुनना पड़ता है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है जिसका मुझे लगता है दिल से एक रास्ता है, एक रास्ता खुला हुआ है, एक ऐसी कशिश है उस टॉपिक में कि जब मुझे लगता है कि अगर वो किसी को हो जाए तो एक बीमारी भी है। आज हम बात करेंगे मोहब्बत के ऊपर, और मोहब्बत भी वो वाली जो बिल्कुल लड़कपन की होती है, जो हर एक को पहली पहली बार होती है, या होती है या नहीं होती, समझ नहीं आती कि ये मोहब्बत है या एक अट्रैक्शन है या इन्फैक्चुएशन है, क्या है इसकी समझ कुछ नहीं आ रही होती है। क्योंकि लड़कपन की मोहब्बत होती है तो इसमें बड़ी सारी नदानियाँ होती हैं, बड़ी सारी गलतियाँ होती हैं, कुछ तुक्के लग जाएँ तो मुझे लगता है समझदारी भी होती है। मगर मोहब्बत, मोहब्बत क्या है, व्हाट इज़ लव, आज हमारा टॉपिक है। और व्हाट इज़ लव एग्जैक्टली, मुझे लगता है यहाँ पर भी शायद कोई ऐसे पीर हो जिनको समझो। आपको पता है इमरान साहब प्यार क्या है, बताएं ना, आपको पता है प्यार क्या है, आपकी नज़र में प्यार क्या है? एक सवाल है आपसे, जवाब दीजिएगा मुझे ऊंची आवाज़ में ताकि लोगों को पता चले प्यार क्या है। इमरान साहब, प्यार की हकीकत कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं। इन्होंने तो कह दिया कि भाई प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं है, ये खाबी ख्याली पुलाव है जो लोग बना के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर बेफिक्रे चलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है। ये हमारी टीम में से मैं लोगों से पूछ, भाई तुम बताओ, तुम तो अभी छोटी उम्र के ही हो, कितनी उम्र होगी तुम्हारी, 25 साल, क्या नाम है भैया आपका? नुमान 25 साल, ये वही बात है, लड़कपन ही हो गई, 20, 21, 22, 23, 18, 25। तो आपको प्यार हुआ है? कभी नहीं हुआ। वैसे प्यार क्या है तुम्हारे लिए, प्यार क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है यार, आज के दिन तो तुम शर्मा रहे हो या घबरा रहे हो कि तुम्हें घर भी जाना है, या किसी से अगर वादे कस्में चल रही है, या किसी को तुम पसंद कर रहे हो, तुमने कहा वो तो हाथ से गई अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कुछ। फिर भी वैसे एक सवाल है, व्हाट इज़ लव, ज़रूरी थोड़ी है कि लव सिर्फ आपको एक लड़की के साथ ही हो, ज़रूरी थोड़ी है एक लड़का एक लड़की को या लड़की एक लड़के को प्यार करे, किसी से भी प्यार हो सकता है। प्यार क्या है कुछ तो बताओ, एक जवाब तो दो, देखूँ ना मैं क्या सोच क्या रखते हैं आप। रिस्पेक्ट का एक नाम है। अच्छा, रिस्पेक्ट मतलब ये कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाए और सामने से जो है ना वो लड़की आ रही है एकदम से, तो आपने जैसे ही उसको देखा आप ऐसे करके ना खड़े हो गए, अजी मुझे आपसे प्यार है, इज़ दैट द रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट को आप प्यार कहते हैं? ये तो प्यार नहीं है, इसको प्यार कहते हो तुम? अगर ये प्यार है और रिस्पेक्ट है बस, तो प्यार है, तो फिर प्यार का नाम बस यही है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जी हुजूरी, जी मैं आप प्लीज़ आप बैठे, मैं खड़ा रहूँगा, इज़ दैट कॉल्ड प्यार? या रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, जैसे हम अपने माँ बाप की भी करते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों की भी करते हैं, हम अपने उस्तादों की भी करते हैं, रिस्पेक्ट तो हम उधर भी करते हैं ना, तो नुमान क्या वो प्यार है, इज़ दैट लव? नहीं ना, सोचो प्यार क्या है। आज मैं आवाम से बात नहीं कर सकती इसलिए मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ। आप भाई, आपका क्या नाम है, बताए जल्दी, घबरा क्यों रहे, नाम क्या है? हैदर, क्या है प्यार आपकी नज़र में, ऐसी जल्दी से बताना है आपने, प्यार क्या है आज, प्यार क्या है आपकी नज़र में? नुमान वाला जवाब, रिस्पेक्ट। ले, अम्मी को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, अब्बू को भी कर रहे हैं आप, अपने गली मोहल्ले के जो चाचा है वो जो नमाज के लिए जा रहे हैं, आपने उनको भी कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके घर में अच्छी बेटी है, प्यारी है, कि कल को वो आपके घर की भी इज्जत बन सकती है, इस चक्कर में नहीं, मुझे पता है। वरना उमन होता ही है कि जब कोई ऐसे अंकल जा रहे हो मस्जिद में और उनकी बेटी खूबसूरत हो, तो जानबूझ के जो लड़के होते हैं ना गली मोहल्ले के, वो अमूमन उनका ना हाथ से शॉपर ले लेंगे, सामान सौदा सल्फ ले लेंगे, ऐसे उनको बोलेंगे भी कि नहीं नहीं साथ साथ चले, अंकल आप ना जाया करें, मुझे बता दिया करें, मैं आपके घर का सौदा ला दूंगा, दही ला दूंगा, इस चक्कर में तो नहीं ना यार, रिस्पेक्ट प्यार है, ये तो नहीं हो सकता। मौलवी तुम बताओ प्यार क्या है, प्यार एक मुकम्मल गुलदस्ता है, एक दास्तान है, कौन सी दास्तान,
ये किला रुतास की दास्तान है, ये शाही किला की दास्तान है, या फिर लैला मजनू की दास्तान है, हीर रांझा की दास्तान है, सस्सी पुन्नू की दास्तान है, ये किसकी दास्तान है, या फिर कोई सल्तनत फतह करने की दास्तान को आप प्यार कह रहे हैं? क्या सस्सी को पुन्नू से प्यार था? वो प्यार प्यार है? किसी के खातिर जान दे देना प्यार है? एक बात है, या किसी के खातिर अपने आप को तबाह कर देना, आपकी नज़र में क्या है प्यार? ये आपकी नज़र में ये दास्तानें जो आप सुनते आ रहे हैं, प्यार को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर पीछे, क्योंकि मुझे टॉकबैक पे हमारे नदीम साहब आए, तो क्लास उनकी भी बनती है छोटी सी। हमारे बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और हमारी पूरी टीम का हिस्सा है, पूरी टीम जो है ना, वो जो लिखारी होते हैं टीम में, वो हमारा बहुत अच्छे लिखता है, बहुत ही अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मगर नदीम साहब, थोड़ी सी क्लास आपकी भी होगी। आपने क्या कहा नदीम साहब, दोबारा बोलिएगा मुझे कान में, बोलिएगा क्या कह रहे थे आप, प्यार क्या है, बोले बोले। अच्छा, इन्होंने कहा कि बाज़ लोगों को अपने काम से प्यार होते हैं। मेरे पास नतालिया भी बैठी है, मैं आपके पास भी आऊँगी इस बात पे, मगर मेरी बात सुने, काम से प्यार किसी को होता है? काम से किसी को प्यार होता है? या फिर मैं आपको बोलूँ कि पढ़ाई से किसी को प्यार होता है? क्या वो जो पढ़ाई से हमें प्यार है, वो प्यार है? इज़ दैट अ लव? कि जब हम बोलते हैं कि भाई हम एक बार पास हो जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लाए जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड लाए जा रहे हैं, और एकदम से जो है हम कभी फेल हो जाते हैं, तो हमारी अना जो है वो एकदम से गिर जाती है, नीचे हो जाती है, और फिर उसके बाद जब हम फेल हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें तो प्यार से नफरत है। तो हम सबको फेल करके और एकदम से पास हो जाते हैं, इज़ दैट द लव? नो, ये भी प्यार नहीं है, ये भी प्यार नहीं है। प्यार जो है ना, ये आप सोचें, आज मुझे कॉल पे भी आप लोगों ने बताना है कि प्यार क्या है। प्यार ना तो रिस्पेक्ट में आई, प्यार ना तो अट्रैक्शन में आई, प्यार ना तो इस तरह से दास्तान में मिली, और प्यार ना तो हमें किसी प्रोफेशन में या पढ़ाई में मिली। तो प्यार क्या है, ये आपने कॉल पे भी हमें बताना है, फिर हमारे माहिरीन यहाँ पे बैठे होंगे और इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे कि ये जो नादानियाँ होती हैं, जो लड़कपन की मोहब्बत होती है, उस पर क्या सिनेरियो होता है और क्यों होता है और किस वजह से मोहब्बत होती है, और लोगों को जो पता ही नहीं है कि प्यार क्या है तो प्यार कर बैठते हैं, ये आज बात करेंगे कि प्यार होता क्या है। मेरे पास नतालिया है बिल्कुल सामने। अस्सलाम वालेकुम।